हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कम्युनिकेट विद कैम्ब्रिज। ये हमारी इंग्लिश रीडर की क्लास फोर्थ की बुक है। ये इसका फ्रंट पेज है। कंसल्टिंग एडिटर है डॉक्टर CLN प्रकाश। चलिए स्टार्ट करते हैं बुक का फ्रंट पेज। ये देखिए कंटेंट है टोटल हमारी, इसमें कुछ पोएम्स हैं एंड कुछ लेसन्स हैं। ऑलमोस्ट 10 लेसन्स हैं एंड हमारी 6 पोएम्स हैं। कितनी पोएम्स हैं? 6। तो लेसन 1 स्टार्ट करते हैं जो कि है द हाउस विद द गोल्डन विंडोज। द हाउस विद द गोल्डन विंडोज, ऐसा नाम क्यों रखा गया इस लेसन का कि क्या उस हाउस की गोल्डन विंडोज है, क्या है वो हम इस लेसन में पढ़ेंगे। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले की बात है, स्कॉटलैंड विलेज में एक लिटिल बॉय था जिसका नाम था स्टीव, जो कि फार्म में रहता था। हर रोज वो स्कूल के बाद वीकेंड के टाइम पे स्टीव अपने फादर की मदद करता था फील्ड में एंड फार्म एनिमल्स की केयर करने में हेल्प करता था। किसकी? अपने फादर की। बट दिन के अंत में, एट द एंड ऑफ ईच डे, दिन के अंत में व्हेन द वर्क वाज डन, जब काम खत्म हो जाता, सन नीचे जाने लगता था, डूबने लगता था, तो देयर कम एन आवर विच वॉज ऑल हिज ओन। एक आवर होता था, एक घंटा होता था जो पूरा किसका होता था? स्टीव का होता था। उसमें वो चाहे कुछ भी करे, खेलना है, जो उसका फ्री टाइम होता था, जो उसे करना है वो करे। जब भी ये टाइम आता था, स्टीव क्या करता था? स्लोली स्लोली रिलैक्स चलता था हिल के ऊपर, अपने घर के पास वाली जो हिल है ना उसके ऊपर चढ़ता था एंड इधर उधर दूसरी हिल्स को देखता था और बहुत ऊंचाइयों तक चले जाता था। देयर ऑन दिस फार ऑफ हिल स्टूड अ हाउस विद विंडो शाइनिंग लाइक गोल्ड। मतलब जब वो ऊपर जा रहा था, इधर उधर उसे खड़े होके घर देखा जिसकी विंडोज जो थी गोल्ड कलर की थी, गोल्ड की थी, सोने की थी। एज द सन वेंट डाउन ही वुड सिट ऑन द हिल वॉचिंग दिस हाउस। जब भी सन नीचे जा रहा था, डूबता था, तो वो वहीं पे बैठ के हिल पे उस विंडो को, उस घर की विंडोज को देखता था। The window shone so brightly that they made Steve blink when he looked at them. तो जो विंडोज इतनी तेज शाइन करती थी कि स्टीव की आंखें बंद हो जाती थी जब भी वो देखता था, ज्यादा समय तक नहीं देख पाता था। After a while, someone would close the shutters and he knew it was time to go home for supper. और जब विंडो के ऊपर दरवाजे बंद हो जाते थे, मतलब विंडो वुड के दरवाजे बंद हो जाते थे उस विंडो पे, तो समझ जाता था वो घर जाने का टाइम हो गया। और फिर वो घर जाने लगता था खाने के लिए, मतलब सुपर, मतलब जो रात की जो मील होती थी उसके लिए वो चले जाता था वहां से। वन सैटरडे स्टीव फादर टोल्ड हिम, एक सैटरडे को स्टीव के फादर ने उन्होंने स्टीव को बोला कि तुमने एक छुट्टी अर्न करी है, आज तुम्हारी छुट्टी है, आज तुम्हारा ऑफ है। और उसे बोला स्टीव को कि जाओ कुछ लर्न करो आज, अच्छा जाके कुछ अच्छा सीखो। स्टीव खुश हो गया कि उसकी तो छुट्टी, जैसे कि आप लोगों की छुट्टी होती है तो आप खुश हो जाते हो ना, ऐसे स्टीव भी खुश हो गया। उसने अपने फादर को थैंक यू कहा एंड देन स्टार्टेड ऑफ फॉर द हाउस विद द गोल्डन विंडोज, और वहीं पे चला गया गोल्डन विंडोज को देखने। आफ्टर ट्रजिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत समय तक, लंबे समय के बाद चलते चलते एक बड़े से हिल पे से स्टीव गया और ऊपर से उस हाउस को देखता है, मतलब गोल्डन विंडो वाले हाउस को सर्च करता है। बहुत हरीडली एक्साइटेडली वो देख रहा होता है, बट वो डिसअपॉइंट हो जाता है। डिसअपॉइंट क्यों हो जाता है? क्योंकि उस हाउस की विंडो गोल्डन नहीं होती, वो तो ग्लास की होती है, लाइक नॉर्मल वंस जो होती है, ग्लास के शीशे की जो होती है ना, नॉर्मल विंडोज बिल्कुल वैसी होती है। अब वहां पे उस घर के पास जब वो जाके देखता है तो उसे नॉर्मल ग्लास की विंडोज दिखती है,
अब वुमेन आती है उस डोर पे, जिस घर के पास वो गया होता है, उस घर से एक वुमेन निकल के आती है और स्टीव सरप्राइज होता है उन्हें देख के, क्योंकि वो मिस कैम्पबेल है। वो मिस कैम्पबेल थी जो कि उसकी मदर की फ्रेंड है। तो वो हेलो स्टीव कहती है, मतलब स्टीव को हेलो कहती है। वो कहती है तुम्हें देख के बड़ा अच्छा लगा, क्या तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें यहाँ भेजा है किसी चीज के लिए, वो स्टीव से पूछती है। स्टीव क्या कहता है, हेलो मिस कैम्पबेल, आई केम फॉर समथिंग एल्स, मैं यहाँ पे किसी और चीज के लिए आया था। एट द एंड ऑफ एवरी डे आई सी योर गोल्डन विंडोज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल नियर ऑफ आवर फार्म। कहता है कि हर रोज मैं अपने फार्म के पास जो हिल है वहां से आपकी यही गोल्डन विंडोज देखता हूँ। बताता है वो सारी बात मिसेस कैम्पबेल को। एंड जब मैं यहाँ आया तो ये तो नॉर्मल ग्लास की विंडो है। अब ये सारी बात वो किसे बताता है, मिसेस कैम्पबेल को। अब देखते हैं इसके आगे क्या रिएक्शन होता है कैम्पबेल का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप इतना लेसन आपको समझ आया होगा, काफी इंटरेस्टिंग का लगा होगा कि किस तरह से जो स्टीव था उसे पहले गोल्डन विंडोज दिखी एंड जब वो घर के नियर गया तो उसे वो ग्लास की विंडोज दिखी। ऐसा क्यों हो रहा था, क्या रीजन था, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट सेक्शन में मैसेज करके भी बताएं अपने व्यूज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।